कमल टू माई क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में जो क्वेश्चन आंसर है उसके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं उसको रीराइट करना है करेक्ट करके। तो क्वेश्चन नंबर ए पे पूछा गया है कि हमारे जो लीडर्स है वो इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा या नहीं उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। तो ये जो है वो फॉल्स है, उसका सही आंसर होगा द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड ए कंसेंसस दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया विल बी ए डेमोक्रेटिक नेशन। तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन ही होगा, ये इसको लेके हमें जो लीडर्स थे वो पूरा क्लियर थे, उनको कोई डाउट नहीं था। क्वेश्चन नंबर बी पे पूछा गया है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन्स है सबके ऊपर जो मेंबर थे उनका सभी का सेम व्यू था। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स थे तो सबका व्यू अलग अलग था। तो खाली जो सेम व्यू था वो था जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसके ऊपर ही सभी लोगों का सेम व्यूज था। तो इसका आंसर होगा द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल द प्रोविजन्स के बदले बेसिक प्रिंसिपल्स होगा। नंबर सी, यहाँ पर पूछा गया है सी का क्वेश्चन, ए कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डेमोक्रेसी। तो जो जो कंट्री पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। तो ये भी रॉन्ग है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी ही हो, वहाँ पे दूसरा कोई गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो इसको उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं ए डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी डेमोक्रेसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एमेंडेड बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये जो है सुप्रीम लॉ होता है। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एमेंडेड टू कीप अप विद द नीड्स ऑफ द सिटीजन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो साउथ अफ्रीका के बारे में दिया गया है जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। तो इनमें से कौन सा जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड नेम ऑफ द कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर बी, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। देन क्वेश्चन नंबर 4 में जो कॉलम है कुछ लीडर्स का नाम और उनका कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या रोल था। तो फर्स्ट में आता है मोतीलाल नेहरू। तो इसके आंसर में आएंगे मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। देन बी बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। नंबर सी राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नंबर डी सरोजिनी नायडू मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद नंबर 5 पे जो है यहाँ पे नेहरू का कुछ स्टेटमेंट दिया गया है उनके स्पीच से लेके। तो जो अपने स्पीच में जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे लिखा गया था कि नॉट होली और इन फुल मेजर। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे नेहरू ये बोलना चाहते थे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो जितने भी उनके प्ली है या फिर जितने भी वादे हैं जो डिमांड्स है या इच्छा है उसको एक ही बार में इसे फट से पूरा नहीं किया जा सकता। तो सभी को एक साथ पूरा ना कर पाए तो उसका आधा जो है वो भी कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर बी पे पूछा गया है कि उनका जो प्ली था वो क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो जो क्वेश्चन इस तरह है व्हाट प्ली डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक। तो आंसर में आएगा द प्ली दैट ही वांटेड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक वॉज टू डेडिकेट देयर लाइफ टू द सर्विस ऑफ इंडिया इंडियंस एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सी पे पूछा गया है कि द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो हु वाज ही रेफरिंग टू। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट मैन बोल के बोला गया है वो किसको रेफर करके बोल रहे थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मेजदो कॉलम फिर से दिया गया है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडिंग वैल्यूज है उनको मैच करना है। सोवरेन का मतलब होता है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। नंबर सी फ्रेटर्निटी पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स। एंड नंबर डी सेकुलर मीन्स गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन।
क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है कि तुम लोग अपने स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन डे कैसे सेलिब्रेट किए हो, उसका एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रिपेयर करो। तो हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन नवंबर 26th, प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। तो ये तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो कि अपने स्कूल में तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कैसे सेलिब्रेट किए थे। तो लास्ट टाइम हम लोग एक मॉक पार्लियामेंट क्रिएट किए थे, और उसको तुम लोग लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे इंडिया के डेमोक्रेसी को लेके अलग अलग ओपिनियन दिया गया है, तो इनमें से कौन से ओपिनियन को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो लिखना होगा। तो नंबर ए पे आया पूछा गया है, डेमोक्रेसी इज इंडिया इज ए गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, वी रिसीव ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर ब्रिटिश रूल। तो हमें जो डेमोक्रेसी इंडिया को बनाया गया है इंडिपेंडेंस के बाद, वो हमें ब्रिटिश रूल से गिफ्ट के हिसाब से मिला है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कितना सही है या फिर उसको कितना इम्पोर्टेंस मिलता है, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देन क्वेश्चन नंबर बी पे पूछा गया है, फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन एंड डिनायल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम टू इंडियंस, फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर सी, वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस, द डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शोज द इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ दिस लीडर्स। तो इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट कितना सही है और उसको कितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रैक्ट दिया गया है, तुम लोग इससे ये सहमत हो कि यहाँ पे जो भी बोला गया है ओमेन के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या गलत। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू दिया गया है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के हिसाब से दिखाया गया है। यहाँ पे जो है जेंडर इनइक्वालिटी को शो किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों जेंडर को इक्वल समझता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो दोनों को इक्वल राइट्स मिला है वोटिंग के ऊपर लेके, या फिर कोई भी जॉब वो कर सकते हैं, और फिर दोनों को जो है इक्वल पेड भी मिलता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल और वैल्यूज के हिसाब से ऊपर जो भी लिखा गया है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। नंबर ए, द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज देट ऑफ एनी अदर लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकी लॉ के जैसा ही सेम है। देन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है गवर्नमेंट कैसे बनेगा उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा गया है। नंबर सी, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट के पावर्स कितने होते हैं और जो उनके सिटीजन के राइट्स होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। नंबर डी, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस नॉट अबाउट वैल्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खाली वैल्यूज के नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बताता है। तो इनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है नंबर ए, द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ।